हाय, आज हम बना रहे हैं दम आलू। हम एक पैन में ऑयल लेंगे अराउंड 2-3 स्पून। उसमें हम 2 रफली चॉप्ड ऑनियंस डालेंगे। ऑनियंस को मिलाने के बाद हम उसमें 2 हाफ कट किए हुए टमेटोज डालेंगे। टमेटोज को मिक्स करने के बाद हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे उसे सॉफ्ट करने के लिए। उसके बाद हम उसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद टमेटो का छिलका बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप चाहे तो उसे निकाल के फेंक सकते हैं। फिर आप टमेटोज को इस तरीके से बेक कीजिए और 5 मिनट्स के लिए कुक कीजिए। 5 मिनट्स के बाद ये रेडी है और हम इसे मिक्सर जार में निकाल देंगे और स्मूथ पेस्ट बना देंगे। मैंने यहाँ 250 ग्राम्स के अराउंड छोटे छोटे पोटैटोज बॉईल कर रखे हैं। पोटैटोज को मैं मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करूँगी। मेरे पोटैटोज फ्राई हो चुके हैं और मैं उसे एक फोक की मदद से इस तरीके से होल करूँगी। ये स्टेप करने से मेरी भाजी बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। पोटैटोज फ्राई करते समय मैंने चारकोल को गैस पे रख दिया था। ये चारकोल को मैं एक कटोरी की मदद से मेरे पोटैटोज के अंदर प्लेस करूँगी और एक ड्रॉप घी डालूँगी और उसे ढक्कन लगा के रख दूंगी करीबन 5 मिनट के लिए, जैसे कि पूरा स्मोक चारकोल का मेरे पोटैटोज के अंदर जाए। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे, उसमें दालचीनी डालेंगे, एक तेज पत्ता डालेंगे और 1/2 स्पून जितना जीरा डालेंगे। फिर हम 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम उसे अच्छे से मिलाएंगे और उसे 1 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें 2 स्पून दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद हम उसे बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि दही फट जाता है भाजी में जाने के बाद, इसलिए आप चाहे तो गैस का फ्लेम ऑफ कीजिए, दही ऐड करके फिर से गैस का फ्लेम ऑन कीजिए। अब मैं इसमें मेरा ऑनियन एंड टमेटो का पेस्ट ऐड करूंगी। उसे अच्छे से मिला लूंगी और फिर थोड़ा सा पानी लूंगी मेरे अकॉर्डिंग जितना भी मैं ग्रेवी चाहती हूँ, और नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। भाजी को थोड़ा तीखा करने के लिए मैंने यहाँ स्लिट की हुई ग्रीन मिर्ची डाली है। अब मैं फ्राई किए हुए पोटैटोस ऐड कर दूंगी। पोटैटोस ऐड करने के बाद हमें उसे मीडियम फ्लेम पे रख देना है एटलीस्ट 8-10 मिनट के लिए, जैसे कि भाजी का फ्लेवर हमारे पोटैटोस के अंदर जो हमने होल किए थे उसके अंदर वो फ्लेवर अच्छे से चला जाए। 10 मिनट बाद मैं अपने गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और कस्तूरी मेथी और गरम मसाला ऐड करके मैं उसे ढककर रख दूंगी एटलीस्ट 1/2 आवर के लिए। ये करने से मेरे भाजी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और 1/2 घंटे बाद मैं इसे फिर से गर्म करके खाऊंगी। ये भाजी अब रेडी है और आप इसे रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।